हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस OJPRD यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरह से जब हम एंड्रॉयड फ्लटर कुछ यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए अपने को पाथ कैसे देना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक आप पाथ नहीं देते हैं तो सही तरह से आपका जो कंपाइलेशन है, आपका जो रनिंग है, जो आपका एक्सक्यूशन है, वो नहीं हो पाता है। तो जब तक आप जो लाइब्रेरी रीड नहीं करेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से अपन लोग पाथ को यहाँ पे सेट करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा अपने फाइल में। फाइल में जाने के बाद आप को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपने फ्लटर नाम का जो फोल्डर है कहाँ पे इंस्टॉल किया है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, फॉर द वे, अगर आप समझें इस चीज़ को, तो जस्ट अ सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है फ्लटर, देन फ्लटर लिखने के बाद आपको इसको ओके करना है। देन आपको फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से आपको ये जिप फोल्डर डाउनलोड कर लेना है। विंडो है, जैसे हम विंडो यूज़ कर रहे हैं तो ये जिप फोल्डर डाउनलोड कर लीजिए आप। जैसे ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाए फिर इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट ज़रूर कीजिए। जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ही आपको एक्सट्रैक्ट हुआ तो ये मैंने यहाँ पे फोल्डर में इसको रखा है। जैसे कि ये देखिए, ये फ्लटर विंडो है, मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो ये फ्लटर नाम का फोल्डर ओपन हो गया। ये देखिए, ये फ्लटर नाम का फोल्डर, ओके। सो ये फ्लटर नाम का जब फोल्डर जब ओपन हो गया तो अपने को क्या करना है, इस फ्लटर में जाने के बाद अगेन एक फ्लटर का ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये फ्लटर है, तो यहाँ पे जो ये बिन फोल्डर है इसका, बिन में आपको क्लिक करना है। और बिन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये ऊपर की लिंक पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा पूरा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी दबाना है तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी दबाने के बाद कॉपी कर लिया हमने। ये हम विंडो 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम विंडो 10 की बात कर रहे हैं, ना कि विंडो 8 और विंडो 7 की। तो ये विंडो 10 है, तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको अपने फाइल में जाना है। और एक चीज़ और, सबसे बड़ी चीज़ कि कई बार आपको कन्फ्यूज़न होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो हमने जो कॉपी किया है ये आप ई फोल्डर में ही रखें। अगर ये सी में भी है तो सी में भी ऐसे ही जाना पड़ेगा आपको जहाँ पे वो रखा है, और ई में है तो ई में भी जाना पड़ेगा, या कोई अदर नाम की ड्राइव है FGH तो उसमें भी आपको इसी तरह से जाना है और वहाँ से कॉपी करना है। अब बात आती है कि आप किस तरह से इसको पाथ को सेट करेंगे। दिस पीसी में जाने के बाद आपको प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग, सिस्टम सेटिंग में जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल चूज़ करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको कोई कुछ भी चीज़ टच नहीं करनी है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ये पाथ का ऑप्शन दिख रहा है, ये पाथ का ऑप्शन, पाथ के ऑप्शन में आपको एडिट दबाना है। एडिट दबाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू दबाना है, न्यू, और न्यू दबाने के बाद आपको यहाँ पे इस कॉपी को पेस्ट कर देना है। वैसे मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ तो कोई इशू नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ओके। सो फॉर द एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी मेरा कोई भी पेस्ट नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से पेस्ट कर रहा हूँ, तो फॉर द एग्जांपल मैंने न्यू में गया। न्यू में जाने के बाद मैंने ये पेस्ट किया, ये देखिए, उसके बाद मैंने इसको ओके किया, देन उसके बाद ओके किया, देन उसके बाद अगेन ओके किया। अब ये सेट हो चुका है अपना। आपको अगर देखना है तो इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो तरह से चेक कर सकते हैं। आप अपना CMD यहाँ लिख सकते हैं, CMD लिखा, CMD में जाने के बाद आपको फ्लटर डॉक्टर आपको लिखना है, एंटर दबाना है। ये देखिए, आपका पाथ सेट हो गया है और ये चालू हो गया, ये देखिए। तो ये एक सिस्टम है जो कि आपके लिए बहुत इजी है, और इस तरह से आप अपना पाथ सेट कर सकते हैं। यही चीज़ आप जो अभी आपका जो इंटरफेस है, जैसे कि ये शो हो रहा है, जैसे कि अभी ये चालू हो जाएगा, एक सेकंड वेट कीजिए, ये देखिए चालू हो गया, ओके। सो अब उसके बाद जैसे कि अपना पाथ सेट हो गया, अब उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाकर इसके टर्मिनल में भी यही चीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल है जैसा, तो यहाँ पर भी आप टर्मिनल में फ्लटर डॉक्टर लिखकर आप यहाँ पे भी आप इसको
रन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पाथ को अपने। तो ये भी यहाँ पे भी पाथ सेट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए प्रोसेस चल रही है, ये आपका पाथ सेट है, ओके। तो ये था छोटा सा वीडियो आज, मैंने इसमें काफ़ी छोटी सी चीज़ जल्दी टाइम पे समझा दी। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा ये वीडियो। तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब लाइक, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ बताएंगे जिसमें से आपको फ्लटर एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ समझ में आएगी, और शायद उम्मीद है कि आप इसमें काम भी करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।